अस्सलाम वालेकुम, सोहेल खान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम FSC का पहला चैप्टर, फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि हमने पहले भी कहा था कि BA स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन कौन सा है, फिजियोलॉजी है, और फिजियोलॉजी का एक सेक्शन इंडोक्राइन सिस्टम हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जो हमारे बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक तीसरा चैप्टर है। और उसी फिजियोलॉजी का दूसरा सेक्शन है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, जिसमें चैप्टर आ रहा है इम्यून सिस्टम और ह्यूमनिटी। ये हमारे फर्स्ट ईयर का तीसरा और चौथा चैप्टर है। हम पहले चैप्टर से इस वजह से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हम पहले वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसके हम अपने नोट्स बनाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स फिर वो नोट्स फिर स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमनिटी, इम्यून सिस्टम क्या है, और इसके साथ साथ जो मेन टॉपिक है हमारा आज के लेक्चर में वो ये है ह्यूमनिटी के टाइप्स। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ह्यूमनिटी की टाइप्स कितने हैं, क्योंकि अक्सर बुक्स में इसमें किसी और पैटर्न से दिया गया है, वो भी से ये किसी जो राइटर है उन्होंने दूसरे बुक में किसी और तरीके से दिया हुआ है। तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमनिटी कितनी हैं, इसकी किस बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक ह्यूमनिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे आसपास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाती हैं। अब इस बैक्टीरिया, ये तमाम के तमाम ना ही हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है ये, और ना ही ये तमाम के तमाम हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। अब इसी बैक्टीरिया में कुछ हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हैं, कुछ फ़ायदेमंद भी हैं। जो नुकसानदेह हैं वो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ कॉज करते हैं, वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट में फंजाई भी होती है, माइक्रोब्स, छोटे छोटे से टिनी माइक्रोब्स भी होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वायरसेस भी होते हैं। तो इन, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं ना, फॉरेन इन्वेडर्स आर पैथोजेंस, तो इन पैथोजेंस से बचने के लिए हमारे बॉडी क्या करती हैं, हमारे बॉडी एक सिस्टम डिवेलप करती हैं, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम को आप प्रॉपर तरीके से कैसे डिफाइन करोगे? हम कहेंगे कि इम्यून सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस, कि ये डिफेंस का एक सेट है, कि मतलब बॉडी की दिफा करने के लिए इनमें एक नहीं बल्कि सेट ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस इज दैट प्रोटेक्ट इन ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम इन्फेक्शन से, जो एक ऑर्गेनिज़म्स को इन्फेक्शन से बचाता है। और उस इन्फेक्शन से कैसे, पहले वो किसी पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आया है, आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद किस पे, उस पैथोजन को या उस फॉरेन इन्वेडर्स को जो बैक्टीरिया वगैरह होती है, फिर उसको क्या करती है, किल कर देती हैं। तो यही वजह से हम कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस, कि इनमें बॉडी की दिफा करने के लिए, डिफेंस के लिए एक नहीं बल्कि सेट ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं, सेट ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसको हम फारदर आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इन सब के जरिए क्या करती है, ये बॉडी की दिफा करती हैं। अब इसके बाद हम कहेंगे कि बॉडी में ऐसी कोई ना कोई कैपेसिटी, ऐसी कोई ना कोई सलाहियत तो होगी जो उस फॉरेन इन्वेडर्स को अटैक करेगा, उस फॉरेन इन्वेडर्स पर, या उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उस पैथोजेंस पर। यस, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी। यानी ह्यूमैनिटी क्या है, ह्यूमैनिटी इज़ द कैपेसिटी, वो सलाहियत है ऑफ द बॉडी की टू रिजिस्ट द पैथोजेंस, के क्या कर सके, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकें, पैथोजेंस को, इस टर्म हैज ह्यूमनिटी। यानी ह्यूमनिटी जो है बॉडी की एक ऐसी सलाहियत होती है हमारे बॉडी में, जो क्या कर सके, जो उस फॉरेन इन्वेडर्स को, जो उस पैथोजेंस पे अटैक करते हैं और उस पैथोजेंस को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ह्यूमनिटी अब स्टूडेंट्स मेनली ग्रीक वर्ड इम्यून से निकला, इसका मतलब है सेफ, इम्यूनस सेफ, इस तरह कोई लफ्ज था। तो अब बात, क्वेश्चन ये है कि क्यों ये फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं, माइक्रोब जो होते हैं, वो हमारे बॉडी पे अटैक क्यों करते हैं?
वो इस वजह से स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे बॉडी जो है उनको एक आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की वजह से दे ट्राई करते हैं कि वो हमारे बॉडी पे अंदर आए और बॉडी में आने के बाद क्या कर सके, मुख्तलिफ तरह के डिजीज काज सके, इन्फेक्शन काज कर सके। और दूसरा है हमारा कि इम्यून सिस्टम इज़ अ साइलेंट वंडर्स। साइलेंट वंडर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी में दूसरे सिस्टम होते हैं, मिसाल के तौर पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, वो हमें पता होता है, वी आर अवेयर ऑफ दैट, हम महसूस कर सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे हर्ट होता है, वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करते हैं, उसका भी हमें पता होता है, वी आर अवेयर ऑफ दैट, लेकिन हमें इम्यून सिस्टम का पता नहीं होता। हालांकि यही इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो दिन में 100,000 ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है। इस वजह से कहते हैं ना कि साइलेंट वंडर, कि ये क्या करते हैं, खामोशी से अपना काम करता है और हमें पता तक नहीं चलता कि इम्यून सिस्टम ने 1,000 या 100 ऑफ बैक्टीरिया को किल कर चुके हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम मेनली टॉपिक की तरफ आते हैं, ह्यूमिनिटी की टाइप्स। इसमें मैं आपको पहले भी बताया था कि कुछ बुक्स में इसमें लिखा गया है कि नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, उसको यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से स्टूडेंट्स इसको समझने में कंफ्यूज रहते हैं। अगर वो भी ड्रॉ कर ले तो फिर और क्या कंफ्यूजन पैदा होगा। उनके लिए एक अलग सा टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। उस इम्यूनाइजेशन में हम आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इम्यूनिटी की तरफ हम आते हैं। ये इम्यूनिटी मेनली जो मैंने ड्रॉ लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो गाइटन एंड आल मेडिकल फिजियोलॉजी बुक, इसके बाद हिकमैन जो प्रिंसिपल ऑफ इसका नाम है, नए राइटर इसका हिकमैन है, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जोलॉजी, और इसके साथ साथ दूसरा जो मेन बुक है वो है इंडियन राइटर ने जो लिखा हुआ है, एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बुक। तो अकॉर्डिंग टू देम में इम्यूनिटी के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इनेट इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी, और इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, इस पे स्टूडेंट सब पे इनेट इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फिजिकल बैरियर कैसे करते हैं, केमिकल बैरियर के जरिए कैसे दिफा करते हैं, इन सब को हम वन बाय वन अलग सा एक टॉपिक पे इस पे बनाएंगे। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता दूं कि इनेट इम्यूनिटी इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, नेचुरली हमारे बॉडी में पैदा होती है, जिसको हम इनबोर्न कैपेसिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इनमें ये कैपेसिटी, ये सलाहियत पहले से होती है, अल्लाह पाक ने इसको ये सलाहियत दी होती है। और इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि दे शो जनरल रिस्पॉन्स टू ऑल द माइक्रोब्स एंड डज नॉट एक्ट अगेंस्ट द पार्टिकुलर वन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब कोई पैथोजन्स होते हैं, कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो ये जो इम्यूनिटी होता है ये उन सब के लिए उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरल होता है, आम सा रिस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई पैथोजन्स आ रहा है, पैथोजन्स के लिए आपने अलग सा एक रिस्पॉन्स देना है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसके लिए आपने अलग सा रिस्पॉन्स देना है, या एक बैक्टीरिया को आपने अलाउ करना है दूसरे को अलाउ नहीं करना है, या बैक्टीरिया को अलाउ करना है वायरस को नहीं करना है, नहीं। जितने भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, अगर वो बॉडी में अंदर आने की कोशिश करता है तो आपने उसको क्या करना है, किल कर लेना है। ये आपने किस वजह से, ये किसके तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटीज़ को कहते हैं, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी कैसे होती है, इसमें फिर एंटीबॉडी वगैरह बनती हैं। फिर स्टूडेंट्स यही जो इनेट इम्यूनिटी या इनबोर्न इम्यूनिटी है वो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दो तरीक़ों से क्या करते हैं, बॉडी की दिफा करती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं कि अगर कोई पैथोजेंस है हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो पहले उनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक क्या होता है, एक तरह का फिजिकल बैरियर होता है, पहले उन्होंने उस फिजिकल बैरियर से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से क्रॉस होना पड़ेगा।
अगर वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो गए तो फिर क्या होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उनके ख़िलाफ़ एक्ट करेगा, उनसे कहेगा कि चलो आपने तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर चुके हैं, अब मैं आपका सामना करूँगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करेगा, उसके खिलाफ एक्ट करेगा, किसके थ्रू, सेलुलर डिफेंस के ज़रिए, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन के ज़रिए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ज़रिए। अगर वहीं पर तो जिन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस करने में कामयाब हो गया स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ एक्ट करेगा। और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो तब एक्ट करेगा जब कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर रहता है। अगर पैथोजेंस नहीं आता तब तक ये क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर बी सेल, जब हम बाद में पढ़ेंगे टी सेल्स, तो अगर वही पैथोजेंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस करने में कामयाब हो गया तो फिर हमारे बॉडी जो होता है वो डिजीज़ पैदा होती है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। वो तब होता है जब कोई पैथोजेंस इन तीनों लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है। तो सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास दो तरीक़ों से जो इम्यूनिटी जो होती है वो डिफेंस होती है हमारे बॉडी में, दो तरीक़ों से, फिज़िकल बैरियर के ज़रिए और केमिकल बैरियर के ज़रिए। फिज़िकल बैरियर में सबसे पहले हमारा स्किन होता है। स्किन क्या करता है, फिज़िकली हमारे बॉडी की दिफा करती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, नोजल्स हेयर जो हमारे नॉस्ट्रिल्स में, नॉक्स में मौजूद होते हैं, और यूरिनोजेनिटल सिस्टम जिसको हम कहते हैं यूरिनेशन। तो इनको इंशाल्लाह वन बाय वन को हम पढ़ेंगे, इन सब पे हम अलग सा एक टॉपिक बनाएंगे कि कैसे फिजिकल बैरियर जो होता है वो बॉडी की दिफा करती हैं। इसी के साथ साथ दूसरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में है केमिकल बैरियर, के केमिकल बैरियर या केमिकल डिफेंस के ज़रिए भी जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी की दिफा करते हैं। केमिकल बैरियर में हमारे पास स्टूडेंट्स एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी आता है। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस में बॉडी में जो होते हैं वो सलेवा है, सीबम है, म्यूकस है, टेयर्स होते हैं, यानी ये तीनों चार या मिल करके भी ये हमारे बॉडी की दिफा करती है। दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, कैसे करती हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और इसी केमिकल बैरियर में स्टूडेंट्स एक टॉपिक एक पॉइंट हमारे पास आता है लो पीएच, कि अगर इनमें से स्किन है, वेजनल है या गैस्ट्रिक एसिड है, इनकी जो नॉर्मल पीएच है, अगर पीएच इनसे कम हुआ, लो हुआ, तभी क्या होगा, ये बैरियर होंगे किसी माइक्रोब्स के लिए। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहला है हमारे पास कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरीक़ों से बॉडी की दिफा करती हैं। सेलुलर डिफेंस के ज़रिए, इनमें क्या होती हैं, सेल बनते हैं। क्या सेल कौन से होते हैं, पेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट सेल्स। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा या इसको हम चला अभी इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स ब्लड चैप्टर या किसी चैप्टर में आ रहा है। तो वाइट ब्लड सेल में पेगोसाइट्स जो ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी की दिफा करते हैं। नाम से ज़ाहिर है सेलुलर डिफेंस, के सेल के ज़रिए डिफेंस होना। दूसरा है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, कि हमारे बॉडी में एक इस तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो भी क्या करते हैं, दी विच आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। वो कौन से होते हैं, कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है एंड इंटरफेरॉन होते हैं। उन पे इस कम्प्लीमेंट और इंटरफेरॉन से हम एक अलग से एक टॉपिक बनाएंगे इंशाल्लाह। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टेम्परेचर या कुछ बुक्स ने इसको फेवर भी लिखा गया है कि इनके ज़रिए भी क्या करती है, बॉडी अपनी दिफा करती है। इसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक मैंने कहा था कि इस वजह से कहते हैं क्योंकि दे शो अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस। अगर ये क्या होते हैं ना, ये अगर कोई पैथोजेंस, कोई माइक्रोब्स बॉडी के अंदर आया तो क्या करेगा, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इससे पहले क्या होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब ये एक्टिव हो जाती है तो फिर क्या करती है, वो पूरे बॉडी में एक ऐसे जो कि गश्त करना शुरू कर देती है। वो देखती रहती है कि कोई पैथोजेंस अगर टिश्यू में छुपा हुआ है या किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में छुपा हुआ है तो क्या करेगा, डायरेक्टली जा करके उस पर अटैक करेगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं ना कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें किस तरीके से होता है, लिम्फोसाइट सेल्स इन्वॉल्व है। ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या करता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस शो करता है। लिम्फोसाइट सेल यही हमारे पास क्या है, ये वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जिसको फारदर टू टाइप्स है, बी सेल्स एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। बी सेल्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में पढ़ेंगे इसके ओरिजिन्स की बुनियाद पर, क्योंकि ये पहले देखा था फेब्रिकस ऑफ बुरसा, और फेब्रिकस एक तरह नाम है उसमें बर्ड्स में। वो जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसको फिर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये बहुत एक डिटेल्स एक टॉपिक है। तो बी सेल जो होते हैं वो जो इम्यूनिटी शो करती हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करते हैं। ह्यूमरल का मतलब क्या है, फ्लूइड, फ्लूइड कि ये क्या करते हैं, फ्लूइड के ज़रिए भी डिफेंस करते हैं। उस फ्लूइड का नाम क्या है, एंटीबॉडी।
तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बी सेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट शो इम्यूनिटी दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स या दैट अटैक्ट ऑन दैट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा है टी सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, टी सेल्स जो होते हैं वो जो इम्यूनिटी शो करता है सेलुलर इम्यूनिटी के जरिए। सेलुलर का मतलब क्या है, सेल के जरिए, सेल के जरिए के यही जो टी सेल्स है इनके फादर फोर टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं हमारे पास, वो सेल्स क्या करते हैं, वो बॉडी की दिफा करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ह्यूमिनिटी। इसका मैं आपको जनरल सा एग्जांपल एक दे दूँ, एनिमल फिजियोलॉजी बुक में इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था। वो कह रहा था कि अगर आपने ह्यूमिनिटी को समझना है, इम्यून सिस्टम को समझना है, तो आप एक कैस्टल का एग्ज़ाम्पल ले लो। किसका, एक किले का एग्ज़ाम्पल ले लो। कैस्टल का एक किला है, वो किला क्या है, किला जो होता है वो भी तीन तरीकों से उसकी हिफाजत होती है। कैसे, पहले क्या होते हैं कि वो एक किले के बाहर आर्टिफिशली क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा खंदक बना देते हैं, एक कोई खड़ा बना देते हैं, और इसके साथ साथ जो ड्रॉब्रिज होते हैं, पुल होते हैं ना, आर्टिफिशियल पुल होते हैं, वो होते हैं। अगर कोई दुश्मन, अगर कोई चोर डकैती वगैरह के लिए आता है, तो पहले उन्हें उस फिज़िकल बैरियर को क्रॉस करना होगा, उस पुल को क्रॉस करना होगा, जैसे हमारे यहाँ स्किन वगैरह होते हैं फिज़िकल बैरियर, या उस पुल या उस ड्रॉब्रिज को क्रॉस करना होगा। अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो फिर क्या होंगे, सेकेंड जो हमारे पास होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसी का, वो ये होता है कि जो तीर कमान चलाने वाले होते हैं ना, जो आर्चर जिसको हम कहते हैं, वो दीवार पर खड़े रहते हैं, और वो क्या करता है, वो भी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करता है, उनसे कहा जाता है कि जो भी आता है आपने उसको किल करना है। या इसी तरह जो चौकीदार होते हैं, वो भी किसी दरवाजे पे खड़े रहते हैं, अगर वही चोर या दुश्मन इन दोनों को क्रॉस करने में कामयाब हो गया, तो फिर तेरा जो थर्ड नंबर है वो इसके क्या उसको जाते हैं, सोल्जर जाते हैं, सिपाही। अब वो सिपाही क्या करते हैं, वो सिपाही का काम क्या होता है कि वो एक कमरे के अंदर होते हैं, ये तब एक्टिवेट होंगे जैसे हमारे यहाँ क्या थे, बी सेल एंड टी सेल्स थे, कि जब कोई बाहर से कोई दुश्मन आता है तब ये क्या बाहर निकलते हैं ये, और पूरे किले में कॉस्टल में अलार्म की घंटी बजती है ना जिस तरह, तो ये क्या होता है, ये रिमूव, ये निकलेंगे और वो जा करके पूरे किले में सर्च करके उस दुश्मन को, उस चोर को, उस बाहर से आने वाले पर्सन को क्या करेगा, किल करेगा। तो एक जनरल सा एग्जांपल था कैस्टल का, इसको समझने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इननेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी में फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन के फिज़िकल एंड केमिकल बैरियर को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।